साल 2024 में अब तक 7 करोड़ से अधिक पर्यटक राजस्थान आ चुके हैं। यही देश दुनिया में प्रदेश की प्रसिद्धि को बयां कर सकता है। प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे पर्यटन को उद्योग का दर्जा, रूरल टूरिज्म, रिवाइज्ड हेरिटेज पॉलिसी। पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने गुरुवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि संगठित होकर हर काम को सफल किया जा सकता है। इसके लिए फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान यानी कि HFTR व टूरिज्म सेक्टर से जुड़े सभी स्टेक होल्डर को एक मंच पर आना होगा। वे फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान और राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 13 से 15 सितंबर 2024 को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में होने वाले चौथे राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के मद्देनजर स्टेक होल्डर मीट को संबोधित कर रही थी। इस दौरान FSTR और पर्यटन विभाग के बीच औपचारिक रूप से MOU भी साइन किया गया। इस वर्ष RTDM की थीम वेडिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस और इवेंट रखी गई है। देखिए, जो हमारा राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट है उसका 4th संस्करण सितंबर के महीने में होगा। RDTM एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो पूरे कंट्री के ट्रैवल और टूर ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पे जो हमारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के जो इंचार्जेस हैं, हमारे यहाँ के टूर ऑपरेटर्स हैं, उनसे एक B2B मीटिंग का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म की तरह उभर करके आया है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो हमारा ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार है वो इंटरनेशनल टूर ऑपरेटर्स का प्लेटफॉर्म है, उसी तरह से राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट नेशनल टूर ऑपरेटर्स के लिए है। आने वाले टाइम पे हम लोग सोच रहे हैं कि जो हमारी इतनी टूरिस्ट की संख्या में वृद्धि हो रही है तो जो रिपीट टूरिस्ट हैं उनको किस तरह के एक्सपीरियंसेस दें, तो हम लोग एक्सपीरियंशियल टूरिज्म पे, रूरल टूरिज्म पे, एडवेंचर टूरिज्म पे हम फोकस कर रहे हैं। और जो थीम इस बार हमने रखी है, हमने वेडिंग राजस्थान वाली थीम भी रखी है क्योंकि राजस्थान एक नेचुरल चॉइस है किसी भी तरह की डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। तो जो टूर ऑपरेटर्स आ रहे हैं, उस काफ़ी इवेंट प्लानर्स भी आ रहे हैं, वो राजस्थान में अधिक से अधिक वेडिंग्स लेकर के आएंगे तो नेचुरली एक टूरिज्म के लिए तो अच्छा होगा लेकिन हमारी लोकल इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके ऊपर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो हमने पहले MOU किया था वो अभी 2024 के लिए था, अब जो आने वाले ईयर्स में भी FSTR और राजस्थान टूरिज्म किस तरह से मिल करके इस प्लेटफॉर्म को और सशक्त करेंगे उसके लिए MOU भी किया गया है। और मैं आशा करती हूँ कि इसमें जो हमने नए प्रावधान जोड़े हैं, डिजिटल को भी हमने इंक्लूड किया है, तो उस तरह से टूरिज्म की प्रचार प्रसार में तो डेफिनेटली सहायक होगा ही, लेकिन जो एक हमारा आउटरीच है वो भी डेफिनेटली बढ़ेगा इस MOU से। FSTR के अध्यक्ष कुलदीप सिंह चंदेला ने कहा कि इस साल राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट में भाग लेने जा रहे सभी स्टेक होल्डर्स को फायदा मिलेगा। इस बार डोमेस्टिक और इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि RDTM के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन विकसित राजस्थान और विकसित भारत एवं वेड इन इंडिया का ध्यान रखा जाएगा।